हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरिंदर सिंह आपका इस ऑनलाइन स्ट्रीम में स्वागत करता हूँ। अपने पढ़ रहे थे अपने देश की सबसे महान पुस्तक, सबसे महान ग्रंथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों इसकी ज़रूरत है, किसने इसको बनाया, इसको क्यों बनाया, इसमें क्या कुछ है, इसको कैसे बनाया है, इसकी प्रोसीजर क्या थी, वो अपने थोड़ा सा पढ़ा। थोड़ा सा वो चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि सारा कुछ एक साथ एकदम आ गया है, तो अगर आप उसको ध्यान से दो तीन बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं भी आया तो कोई इतनी चिंता वाली बात नहीं है। अब अपने जो आगे चैप्टर्स करेंगे वो उसी चैप्टर की कह दें या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन चीज़ें हैं उनकी डिटेल है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, डीएस अपने हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, या कुछ और भी चीज़ें हैं, हमारे जुडिशरी सिस्टम है, तो उनके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे क्या है, फिर अपने को समझ में आएगा कि आखिर में जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो है क्या। तो पहले अपने थोड़ा सा पिछले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा करते हैं क्या है था वो। हमने उस चैप्टर में पढ़ा कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो कैसे बना, तो वो क्यों बना। सबसे पहले वो क्यों बना, क्योंकि उसकी हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में, हमारे स्टेट को चलाने के लिए एक पॉलिसी चाहिए, एक रूल बुक चाहिए, तो उस रूल बुक्स का एक कोड, एक संहिता ही हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद था कि हम जिन्होंने वो रूल बनाए हैं, हम उन रूल्स को क्यों माने, क्यों माने, क्योंकि ये रूल्स उन लोगों ने बनाए हैं, उन फ्रीडम फाइटर्स ने बनाए हैं जिन्होंने हमें आज़ाद करवाया, जिन्होंने हमारे राइट्स को पहचाना, भी हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए, जिनको पता था कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं, एक आज़ाद भारत की क्या ज़रूरतें हैं, उसलिए उन्होंने हमें आज़ाद करवाया, तो उनका हक है कि वो हमारे लिए नई पॉलिसीज़ बनाएं। ठीक है, अब उस पॉलिसीज़ में दूसरी बात यह है कि हम उन्हें क्यों माने, क्योंकि उस पॉलिसीज़ को बनाने वाले जो लोग थे वो हमारे ही लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने उनको भेजा था अपने अंदर से चुन करके। सभी वो लोग हर टाइप की सोसाइटी से थे, हर प्रकार के रिलीजन से, हर प्रकार के तबके से, चाहे वो कोई रिलीजन हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैनिज्म, हर टाइप के लोग थे उसमें। इसके अलावा हर सोसाइटी से फार्मर्स भी थे, टीचर्स भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, सभी का एक प्रतिनिधित्व, एक रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर था। तो जो संविधान बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, वो सभी के मिलने से, सभी की आम सहमति से बने। दूसरी सबसे खूबसूरत बात संविधान की क्या है कि किसी भी चीज़ को लेकर वोटिंग नहीं हुई है। आमतौर पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी वोटिंग होती है तो जिसके जिसके हिस्से की, जिसके तरफ से जो वोटिंग पड़ी है, वो आदमी अगर हार जाए, वो रूल ना बने, तो उसको दुख होता है भी मेरे वाला नहीं बना, और दूसरे वाला मेरे पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, मेरे पे जबरदस्ती इम्पोज किया जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखा गया कि जो नए रूल्स बन रहे हैं उसमें सभी की आम सहमति हो, ये इसकी खूबसूरती है। उसके बाद अपने एक और देखा था कि जो हमारा संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सिर्फ एक ऐसे 3 साल बैठकर सोचकर एकदम से नहीं लिख दिया गया है, उसको अलग अलग जगहों से लिया गया है, क्योंकि सभी देशों का, सभी कंट्रीज का, मैक्सिमम कंट्रीज का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी ने बहुत दिमाग खपाकर, बहुत मेहनत से वो बनाया है, तो सभी की जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं हमने वो कलेक्ट किए हैं। ओके, अब अपने नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर अपना है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास कुछ राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, एक लीगल राइट भी है कुछ, और फंडामेंटल राइट्स भी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये राइट्स क्या है, ये राइट्स क्यों जरूरी थे, और हमारे लिए आज के टाइम में लाइफ में सर्वाइव करने के लिए ये क्यों इतने असेंशियल है, वो अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने कुछ दो एग्जाम्पल करते हैं कि राइट्स क्यों जरूरी है। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिए मैं आपको वही एग्जाम्पल करवाऊंगा। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल करवाते हैं, उससे पहले अपने को पता होना चाहिए एक चीज, एक वर्ड का मतलब। वर्ड है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है, इसे हिंदी में बोलते हैं शोषण। अब किसी आदमी से, किसी पर्सन से कोई काम करवा रहे हैं, और उस काम करवाने के बदले जो उसका वेजेस बनता है, जो उसका मेहनताना बनता है, जो उसकी सैलरी बनती है, वह हम उससे ना दें, या जितनी उसकी बनती है उससे कम दें, मतलब उसे अपने कम पैसों से जबरदस्ती को काम करवा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं उसका एक्सप्लोटेशन, शोषण करना। ये पुराने टाइम में जब मोनार्की थी तब आम था, बहुत कॉमन था, किसी से भी जबरदस्ती काम करवा लेते, उससे पैसे ना देते। अब इसका एक एग्जाम्पल देते हैं आपको,
कि ये इंडिपेंड फ्री इंडिया में, इंडिपेंडेंस इंडिया में कैसे ये इम्पोर्टेंट था। बात है 1982 की, ओके 1982 में एशियन गेम्स हमारे देश में हुए थे, हमारे देश में हुए एशियन गेम्स, ओके। अब एशियन गेम्स में बहुत सारे फ्लाईओवर बनते हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे लोग आएंगे, वर्कर्स आएंगे, दिहाड़ी मजदूर आएंगे, तो वो लोग आए, उन वर्कर्स को, बहुत सारे वर्कर्स आए, उन वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्टर ने रखा। कॉन्ट्रैक्टर ने जो जहाँ पर उनको रखा तो बहुत ही पुअर कंडीशन में रखा, ना तो उनके पास खाने के लिए अच्छा खाना था, ना रहने के लिए अच्छे बिस्तर थे, अच्छे कमरे थे, बहुत ही बुरी हालात में उनको कमरे दिए। और बाद में जाने के बाद उनका जो वेजेस बनता था, जो उनका मेहनताना, जो उनकी सैलरी बनती थी, उससे भी उनको बहुत कम दिया। तो एक टाइप से इनका शोषण हो गया, इनका एक्सप्लॉयटेशन हो गया। तो ऐसी कोई चीज़ ज़रूरी है जो इंश्योर करे कि इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो वो चीज़ थी उनके राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं, उनमें एक राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ओके। मतलब क्या है कि अगर कोई ये किसी के साथ करता है ऐसे, उसका शोषण करता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो वो इसके लिए कोर्ट जा सकता है। लेकिन क्या था कि ये लोग गरीब लोग थे, इनको इतने अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं पता था कि हमारे पास ये राइट हैं, ठीक है ना, तो इनको कुछ नहीं हुआ। इसलिए आज के टाइम में ये इंश्योर करने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट है। देखो अलग अलग एनजीओज आ जाते हैं, अगर इनको कोई ना देखे, अपने आज भी देखेंगे, एक जस्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जो पुलिस है वो किसी को पीट नहीं सकती, किसी को मार नहीं सकती, जो पुलिस है वो किसी को मार नहीं सकती, लेकिन पुलिस के पास पावर है। पावर क्या है, वो पुलिस किसी को कब मार सकती है, मान लो कोई बंदा कोई क्राइम कर रहा है, ये बात आप सभी ध्यान से सुनना, आपको अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए क्या है। कोई भी पुलिस ऑफिसर हमें मार नहीं सकता, चाहे हमने कोई क्राइम किया है, अगर अपने किसी को मार दिया है, अपने को चोरी कर ली है, तभी भी पुलिस अपने को मार नहीं सकती, उसके पास ये पावर नहीं है। लेकिन पुलिस पीट सकती है, पुलिस मार सकती है, पुलिस अपना फोर्स बल प्रयोग कर सकती है, कब कर सकती है, सिर्फ उस क्राइम को रोकने के लिए। मान लो मैं किसी आदमी को मार रहा हूँ, पुलिस ने कहा अभी रुक जाओ, मैं फिर भी नहीं रुक रहा हूँ, तो पुलिस मुझे रोकने के लिए बल प्रयोग फोर्स यूज कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती, ठीक है। ये नहीं है भी किसी से कुछ, किसी ने कुछ क्राइम कर दिया और पुलिस को पनिश कर रही है, भी किसी आदमी ने कहीं चोरी कर ली है किसी गरीब आदमी ने, तो पुलिस उसको आएगी, आके उसको पीटेगी, ये गलत है। पनिशमेंट देने का काम कोर्ट का है, पुलिस का नहीं है। पुलिस का काम है क्राइम होने से रोकना, ओके। तो ये एक फंडामेंटल राइट है हमारा और पुलिस इसको नहीं छीन सकती। लेकिन आम लोगों को ये बात नहीं पता होता, तो सबसे पहले तो अवेयर होना जरूरी है हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, इसको इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। चलिए छोड़िए, इसके बारे में अपनी डिटेल्स आगे और पढ़ेंगे, ये सिर्फ आपको थोड़ा ब्रीफ देने के लिए था। अब देखो ये चीज़ होगी, यहाँ से पता चलता है कि एक आदमी है, उसको जितने पैसे मिलने चाहिए थे, जो उसको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिली, तो ये उसका एक राइट बनता था, इसलिए यहाँ पर राइट्स जुड़ी हैं। अब हमारे देश में तब तो राइट थे, बन गए थे, लेकिन फिर भी वो इम्प्लॉयमेंट नहीं हो सके। तो यहाँ से पता चलता है कि आदमी को सर्वाइव, अगर मान लो ये राइट्स होते ही ना, फिर तो ये बहुत बुरा होता उनके साथ, ये कभी बाहर भी नहीं आते। तो राइट्स जरूरी हैं सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए। एक और एग्जांपल आपको देते हैं, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, शायद आपने कभी यूट्यूब पर सुना हो, किसी डॉक्यूमेंट्री में सुना हो। उस पर्सन का नाम था मकेल ललंग, ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, 1966 या 67 की बात है। ये एक पर्सन था, एक आदमी था, ये बंदा था असम का, असम इंडिया के पार्ट है। तो इस आदमी ने किसी के साथ लड़ाई की, उसको थोड़ा पीट दिया, या कोई लड़ाई होगी इनकी, थोड़ी बहुत इंजरी होगी उस बंदे को, तो इस आदमी को पुलिस ने कर लिया अरेस्ट।
पुलिस इसको अरेस्ट करके ले गई कोर्ट में। ओके, अब कोर्ट में आपको पता है कि हमारा जो सिस्टम है बहुत डिले है, धीरे धीरे काम करता है, तारीख पे तारीख, सुनिए आपने, तारीख पे तारीख, तो ये चलता रहता काम। तो अगर इसको कोर्ट सजा दे देता है, पनिशमेंट दे देता है, तो उसको बोल देते हैं जेल, उसको कोई जेल में रखते हैं, जैसे तिहाड़ जेल है या बड़ी बड़ी सेंट्रल जेल होती हैं, तो उसको वहाँ रखते हैं, जितनी भी सज़ा है, एक साल की, दो साल की, ये वहाँ पर सज़ा काट कराएगा, अपना जो पनिशमेंट पीरियड वहाँ पर पूरा करेगा। लेकिन जब तक इस पर ट्रायल चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तब तक इसको पुलिस स्टेशन में ही रखेंगे, उसको बोलते हैं कस्टडी। कस्टडी और जेल में क्या, इम्प्रिजन बोलते हैं इसको अपने, इसमें क्या फर्क होता है आपको पता लग गया होगा। अगर कोई आदमी पर ट्रायल मुकदमा चल रहा है उस वक्त, अगर वो पुलिस स्टेशन वाली जेल में पड़ा है, वहां पर सलाखों के अंदर है, तो वो होती है कस्टडी, रिमांड, पुलिस की रिमांड में, पुलिस की कस्टडी में है। जब उस पर आरोप है या फिर जो उसने ऑफेंस किया है वो उस पर प्रूव हो जाता है, तो कोर्ट उसको पनिश करता है, उसको फिर जहां पर रखते हैं उसको बोलते हैं जेल, उसको इम्प्रिजमेंट कर देते हैं, उसको बोलते हैं उसको जेल हो गई। ओके, अब एक नियम है पुलिस का, अगर पुलिस ने किसी आदमी को अरेस्ट किया है, ओके, तो उसको अरेस्ट करने के 24 आवर्स में, 24 घंटे के अंदर अंदर जो सबसे नज़दीक में कोर्ट है वहाँ पर पेश करने, ये नियम है, ये एक राइट के अंदर आता है हमारे। वैसे हमारे 6 राइट हैं, लेकिन डिटेल में उसके अंदर और बहुत सारे आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स है, वैसे 6 हैं, उसके अलावा उसके अंदर डिटेल में और बहुत, उसके सब ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं अपने, वो सभी पढ़ेंगे डिटेल से जितना हो सकता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब अपना एक और फंडामेंटल राइट है, वो राइट है राइट, यहाँ से शायद देख नहीं होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ, हमारा एक राइट है, राइट ऑफ लिविंग, जीने का अधिकार, हम आराम से एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, ये अपना एक राइट है, एक अधिकार है। अब वापस इस टॉपिक पे आते हैं, इस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया, इसने एक क्राइम किया था, और उस क्राइम की सज़ा, मतलब किसी को पीट दिया है तो सज़ा कितनी हो जाएगी, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल इतनी होगी, तो उसको अरेस्ट कर लिया। बात है ये लगभग 1966 या 67 इसकी बात है लगभग, जब इसको अरेस्ट किया, तो अरेस्ट करने के बाद इसका पहले तो 24 आवर्स में एक ट्रायल कोर्ट में हो गया, उसके बाद पुलिस को लगा कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है, इस आदमी ने मारा है कुछ भी किया, ये मेंटली स्टेबल नहीं है, तो पुलिस ने इसको एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया वहाँ पर इसका इलाज कराने के लिए। उस टाइम इसकी एज थी 23 ईयर्स। ओके, इसको भेज दिया अब मेंटल हॉस्पिटल में। अब मेंटल हॉस्पिटल में उन्होंने ठीक किया, ठीक करने के बाद वापस पुलिस को कॉल किया, अभी आप ले जाओ बंदे को। टाइम था तब शायद 1967, देख लेता हूँ बुक में एग्जैक्ट टाइम क्या था, आपके लिखा होगा, हाँ 1967। इस टाइम जो हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को कॉल किया कि आपका जो बंदा है, ये जो क्रिमिनल है, ये मेंटली फिट हो गया, इसको ले जाओ, लेकिन पुलिस ने कोई बात नहीं सुनी। इन्होंने फिर दोबारा कॉल किया, और वो कॉल किया 30 साल बाद, लगभग 30 या 35 साल बाद, 1996 में, इसको ले जाओ। सोचिए कितना लंबा टाइम है, इतने टाइम से बंदा उस मेंटल हॉस्पिटल की जो सलाखें हैं उसके पीछे है, जो देखा होगा आपने टीवी में, जो पागलखाने हैं, जो मेंटल हॉस्पिटल है उसके अंदर भी जेल होती है, तो वहां पर पड़ा है, किसी ने इसकी सुध नहीं दी। क्यों? क्योंकि कोर्ट में इतने केस पहले से चल रहे हैं, डिले हो रहा काम, इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि एक स्पेशल बंदे को लेकर आए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर इस आदमी को लगभग 2005 में एक एनजीओ था, उसने इसकी सुध ली। यार बंदा कितने साल से जेल में बैठा है, 53 और 57 साल, बंदे की एज हो गई 77 साल, इतने साल का हो गया, कब जेल में गया था वो? पहले ये टाइम था कि अगर बंदे ने किसी का मर्डर भी कर दिया ना, तो भी मैक्सिमम जेल होती थी, उम्र क्या है जिसको बोलते हैं 14 साल, वैसे 28 होती है, दिन रात मिलाकर
14 साल की जेल होती है अगर वो किसी का मर्डर भी कर दे। और ये तो कितने साल से बैठा है, 53 ईयर्स से जेल में बैठा है। ये क्या कहाँ का इंसाफ है। तो उसको बाहर निकाला, फिर ये मामला हाईलाइट हुआ कि एक आदमी 53 साल से जेल में बैठा है, कस्टडी में बैठा है, और उसका क्राइम है, उसका क्राइम का कितना है, मान लो प्रूव हो जाए इसने क्राइम किया है। कोर्ट का काम है क्राइम, कोर्ट में प्रूव करना होता है कि क्राइम है या नहीं है। मान लो पुलिस प्रूव कर देगी इसने क्राइम किया है, 5 साल की हो जाएगी, ये तो कितने साल बैठा है। तो जो इसका एक राइट है, राइट ऑफ लिविंग, उसका वायलेंस हो गया ना, उसका वायलेशन हो गया, उसको तो छीन लिया, बात गलत हो गई। तो मान लो कि इसकी जगह पर कोई मजबूत आदमी होता, कोई मेयर होता, कोई एमएलए होता, कोई बड़ा आदमी होता, शाम तक उसकी बेल हो जाती, उसी दिन शाम तक जब इसको अरेस्ट किया था, हो जाती ना। अगर ये क्राइम बेलेबल है तो उसकी उसी दिन शाम तक बेल करवा लेते। अब ये आदमी गरीब आदमी है, इसको अपने राइट्स का नहीं पता है, तो ये क्या हो गया। तो एक ऐसी चीज़ चाहिए जो उसको इंश्योर करे। तो राइट्स को, राइट को उन्होंने बना दी संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेकिन इसको अच्छी तरह से लागू करवाने के काम हमारी एग्जीक्यूटिव का है। अगर इस तरह का कोई भी वॉयलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। मतलब यहाँ से पता चलता है कि राइट्स होने कितने जरूरी है। हमारे पास राइट्स हैं 6 फंडामेंटल राइट्स, लेकिन उसको उसमें एक ये राइट आगे है, उसके सब पार्ट में है, उसके सब क्लोज में है। तो ये चीज़ अपने को नहीं पता थी उनकी, उनको कि एक राइट ऑफ लिविंग भी है। भी इतने साल हो गए उसको, उसको अपनी ज़िंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी सारी लाइफ 23 साल से लेकर 70 साल की उम्र तक वो जेल में बैठा है, उसकी सारी लाइफ वेस्ट हो गई है। क्यों उसने एक आदमी को कूट दिया था, और कुटा का नहीं पता, वो भी पता नहीं है, मेंटली इल था ये, मार दिया होगा, क्या हो गया, मार दिया तो उसको, उसको पीट दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग सजा के अकॉर्डिंग उसको दे दो 2-3 साल की जो जेल करनी थी। अब इतने साल से वो जेल में बैठा है, इसकी लाइफ तो वेस्ट होगी ना, तो इसकी जो राइट ऑफ लिविंग है वो तो ख़त्म हो गया ना, इसलिए राइट्स ज़रूरी हैं अपने। अब आगे चलते हैं, अब आगे है कि ये राइट्स हैं, ये आय कहाँ से हैं। जब हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिश रूल के अंदर था, तो अंग्रेज भी हमारे साथ ऐसे करते थे। हम अंग्रेज हमारे साथ बहुत ही रूड बिहेवियर करते थे, खासकर उन लोगों के साथ जिनके, जिनको अपने राइट्स का नहीं पता है। तो अपने आगे देखते हैं, अपने बिल बिल ऑफ राइट्स, अगला टॉपिक है अपने कि राइट्स कैसे हैं, राइट्स का बिल कैसे आया। सबसे पहले अपने बिल का मतलब समझते हैं, बिल मतलब क्या होता है। एक तो अपने बाजार से सामान लेकर आए, धनिया मिर्ची किराने का सामान लाया या जो भी रिलायंस लेके आए अपने, तो उस जब सामान लेते हैं तो दुकानदार है, शॉपकीपर, एक बिल देते हैं, एक तो वो बिल होता है, ये वो बिल नहीं है, ये कुछ अलग है। बिल का मतलब क्या होता है, कभी भी कोई लॉ, कोई कानून, कोई एक्ट बनाना है तो उसके लिए पहले बिल लेकर आते हैं। अब वो बिल क्या है अपने, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ बिल क्या है। अपने एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, मान लो अपना एक स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल की जो मैनेजमेंट है, जो स्कूल को संभालते हैं, स्कूल की देख रेख करते हैं, जो स्कूल का स्कूल को चलाते हैं, वो क्या है, वो हमारे प्रिंसिपल हैं, वो हमारे टीचर्स हैं। तो एक हमारे प्रिंसिपल हैं और हमारे क्या है, और हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं, टीचर वन, टीचर टू, है ना, बहुत सारे टीचर हैं, ऐसे करके बहुत सारे टीचर्स हैं। ओके, अब एक टीचर है हमारे, बड़े फेवरेट टीचर हैं। एक दिन क्या हुआ, अभी स्कूल के सभी टीचर्स की और प्रिंसिपल के साथ उनकी हो रही थी मीटिंग। ओके, तो एक जो टीचर हैं, उन टीचर्स ने कहा कि मैं एक बिल लेकर आया हूँ, मतलब मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। वो बोले कि बच्चों को सैटरडे के दिन बच्चों को स्कूल में बुलाएंगे, लेकिन वो बैग लेकर नहीं आएंगे, उस दिन उनको सिर्फ फंक्शन करवाएंगे, मस्ती करवाएंगे, खेलो कूदो, गेम्स खेलो, अंताक्षरी खेलो, पेंटिंग करो, जो करना करो, उस दिन पढ़ाई नहीं होगी, उस दिन बच्चों का एंटरटेनमेंट करवाएंगे। ये वो बिल लेकर आए। ओके, इन्होंने पेश किया इसके अंदर, मीटिंग के अंदर।
सभी ने इस पर चर्चा की और वोटिंग की या जो भी किया अपने अपने दिया। उसके बाद अगर ये चीज़ पास हो जाती है तो इसे बोल देते हैं एक्ट। फिर कहेंगे ठीक है अभी आराम से सैटरडे वाला दिन ये सारा काम कर सकते हैं अपने। ओके, तो बिल और एक्ट में क्या फ़र्क होता है आपको पता चल गया होगा। अब अपने आगे चलते हैं कि बिल ऑफ राइट्स क्या था, ये कैसे आया। देखिए बिल ऑफ राइट्स क्या था, जब अपना देश ब्रिटिश रूल के अंदर था उस वक्त भी जो हमारे अधिकार है हमारे राइट्स हैं उसकी ज़रूरत महसूस होती थी। तो हमारे देश के एक फ्रीडम फाइटर थे, उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। ने 1928 में एक बिल लेकर आए, वो उसका नाम था बिल ऑफ राइट्स। उन्होंने महसूस किया था कि जो हम इंडियंस हैं भारतवासी हैं भारतीय हैं इनको भी कुछ अधिकार कुछ राइट्स चाहिए सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, वो था बिल ऑफ राइट्स, वो पहला बिल था देखा जाए तो। वैसे भी बहुत सारे पहले बिल आए थे। अभी मोतीलाल नेहरू कौन थे, हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ओके, वो भी एक कांग्रेस के लीडर थे। ये आ गए बिल। अब बिल ऑफ राइट्स का मतलब आप समझ गए क्या होता है, कि एक प्रस्ताव लेकर आए हैं कि हमारे देश में या हमारी सोसाइटी में ये राइट्स ये अधिकार जनता को होने चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो जनता बहुत परेशान हो जाएगी। जो अधिकारी हैं एग्जीक्यूटिव हैं पुलिस है वो तो परेशान करेगी। एक शहर बनाने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर पुलिस राज हो जाए, एक पुलिस सोसाइटी नहीं बनानी है। सिर्फ सरकार बनाने का मतलब सिर्फ क्राइम कंट्रोल करना नहीं है, उसका मतलब ये भी है कि वहाँ के लोग एक डिग्निटी से एक शांत से रह सकें एक अच्छा लाइफस्टाइल बिता सकें, उसके लिए सब जरूरी है समझिए। तो अब अपने कुछ पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या हैं अपने। हमारे वैसे आप अपने स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले आप ये बताइए कि फंडामेंटल राइट की जो सोच है वो हमारे संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आई है। सोचिए, अपने कॉपी पे लिख लीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा। लिख लिए साथ साथ ना, आप थोड़ा दिमाग चलाओगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। हाँ जी बताइए कहाँ से आई है। तो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने लिए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इसकी ये जो थिंकिंग है जो अमेरिका है वहाँ से लिए हैं। अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ पर तो ये राइट भी है कि एक आदमी गन रख सकता है, वहाँ पर हर सिटीजन वहाँ का गन रख सकता है अपनी सिक्योरिटी के लिए। ओके, और वो लड़ने के लिए नहीं। तो फंडामेंटल राइट्स, अब राइट्स तो आपको पता है क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, कि अपने पास ये राइट है ये करने का। फंडामेंटल का मतलब क्या है। देखिए राइट दो प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल और एक होते हैं लीगल। हमारे अंदर हमारे पास लीगल राइट भी है फंडामेंटल भी है। फंडामेंटल राइट्स वो राइट होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे लिखे हुए हैं जिनको कोई वॉयलेट नहीं कर सकता। अगर इनको वॉयलेट करेगा तो सामने वालों को सजा मिलेगी, और इनका वॉयलेशन सरकार तभी कर सकती है जब बहुत ज़्यादा जरूरी काम हो जाए। जैसे अपने पास मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपने पास एक राइट है राइट ऑफ फ्रीडम। उस राइट के अंदर एक पार्ट है कि हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों का ग्रुप बना सकते हैं और वहाँ पर इकट्ठे होकर उनको भाषण दे सकते हैं, ये काम अपने कर सकते हैं, ये अपने पास एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन आपको पता है कि अब कोरोना चल रहा है, ज़्यादा बंदे इकट्ठे होंगे तो कोरोना का जो फैलने का चांस ज़्यादा है। ठीक है ना, तो आप कहते मेरे तो राइट है, अब ये राइट नहीं चल रही। अब आप कहोगे कि मैं रैली कर लूँ, बड़ी सारी नहीं कर सकते, इलेक्शन है जगह जगह पर, रैली तो मोदी जी नहीं कर रहे हैं, उनको पता है दिक्कत हो जाएगी, समझ गए ना। तो अब ये राइट नहीं चल रहा। या फिर आपके पास राइट है जैसे कहीं घूमने जाने का राइट है, कहीं घूमने का, मान लो जंग लग जाए वॉर हो जाए, आप वो मैं तो घूम के आऊँगा, अरे मैं तोप से उड़ा देंगे तुझे, वो बम चल जाएगा वहाँ पर, तो वहाँ पर हम नहीं जा सकते अपने, तो उस जगह पर हमारे जो फंडामेंटल राइट ख़त्म कर देते हैं। कभी ज़रूरत हो तब, ऐसे आमतौर पर ख़त्म नहीं करते ये, लेकिन फिर भी उस कंडीशन में भी दो अपने फंडामेंटल राइट्स रहते हैं, राइट्स ऑफ लिविंग। इसके बारे में अपने आगे चर्चा करेंगे कौन से राइट रहते हैं, वापस अपने आते हैं। एक तो होते हैं फंडामेंटल राइट्स, जिन राइट्स को हमसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरे होते हैं लीगल राइट, कानूनी अधिकार। इनको अपने देखो ये राइट्स हम अगर ये राइट्स का वॉल्यूशन करना है, इसको ख़त्म करना है या कुछ समय के लिए इसको
अबोलिश करना है कुछ समय के लिए, परमानेंटली कभी नहीं हो सकते ये, तो सरकार को ही करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को या हमारे प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, चीफ मिनिस्टर को, मतलब एक हाई लेवल अथॉरिटी को, ये उनके पास हाई लेवल पावर, हाई लेवल जो चीज़ें हैं उनके पास ये अथॉरिटी है जो ये ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन लीगल राइट्स को अपने एग्जीक्यूटिव ख़त्म कर सकती है। जैसे लीगल राइट अपने पास राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ये पहले फंडामेंटल था अभी लीगल है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, ये अपने पास एक लीगल राइट है। अब ये कैसे, इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, मान लो अपने पास एक, इस राइट का पहले मतलब देखो क्या है, इसका मतलब है हम कोई भी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी को रख सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं, ये है हमारा एक राइट ऑफ प्रॉपर्टी, एक लीगल राइट है। लेकिन अगर इसको पब्लिक पर्पज़ के लिए यूज़ करना हो तो इस राइट को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास ज़मीन है, बहुत सारे खेत अपने पास हैं, ठीक है, और मान लो आपको पता है कि किसी गांव का, किसी शहर का डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो वहां पर सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, उसके लिए वहां पर बढ़िया, अगर किसी शहर के पास बढ़िया हाईवे है तो शहर बढ़िया विकसित हो जाएगा, चलेगा वहां पर, तो अगर यहां पर हाईवे निकालना है बढ़िया सा, ठीक है, तो ये ज़मीन है वो पब्लिक पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है, तो सरकार वो इसको इससे ले लेगी, इसके बदले में इसको कंपनसेशन देगी, ये नहीं ऐसे फ्री में ले लेगी, ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं कहेंगे मेरे पास राइट है, ये एक लीगल राइट है, इसको सरकार ले सकती है। अपने वापस आते हैं फंडामेंटल राइट्स पर, तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं आप थोड़ा समझिए होगे, अब अपने सभी राइट्स के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे, जिसको जिससे अपने को पता चलेगा कि राइट्स है क्या। पहले अपन देखते हैं राइट्स अपने संविधान की बुक में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में है कहाँ पर, ठीक है, मुझे लगता है यार थोड़ा सा फ्रेम छोटा हो गया और मैं कोशिश करूँगा कि ये थोड़ा बड़ा कर दें। देखिए हमारा जो संविधान है वो एक बुक है, तो उस बुक को हमारी सुविधा के लिए कुछ पार्ट्स में बांटा गया, ठीक है, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये 22, ये भी नहीं चल रहा कोई बात नहीं, तो ये लेते हैं, जो हमारा संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 22 पार्ट्स में बंटा था उस वक्त जब ये बना था, और 395 चैप्टर्स क्या तो या आर्टिकल्स क्या इसके अंदर थे आज के टाइम जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, 2020 में, अगस्त 2020 में, उस वक्त हमारे देश के संविधान के, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के 470 आर्टिकल्स हैं, ये अपडेट हो गए, अपडेट बताया क्या होता है आपको, 470 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं, वक्त के हिसाब से नए नए जोड़ने पड़ते हैं, अपडेट करना जरूरी है, अपडेट आपको पता ही है, जैसे व्हाट्सएप है जब आया था तो सिर्फ चैटिंग होती थी, फिर उसको अपडेट किया, उसके अंदर वो स्टेटस भी आने लग गया, फिर उसके अंदर वीडियो कॉल आने लगी, और आज के टाइम में अपडेट करते करते आने वाले टाइम में इसमें वो पेमेंट का ऑप्शन भी आ जाएगा, समझे ना, तो वक्त के हिसाब से अपडेट करना जरूरी भी होता है। तो आज के टाइम में अपना ये है, इतने पार्ट्स बंटा हुआ है, तो देखो 25 पार्ट्स हैं, तो जिसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट अब कितना बड़ा है, थर्ड पार्ट है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक, ये हमारा थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट में हमारे फंडामेंटल राइट्स बड़ी डिटेल से लिखी हुई हैं, ओके, टोटल 6 राइट्स लिखे हुए हैं, 6 अधिकार लिखे हुए हैं, पहले यहाँ पर 7 थे, 7वां था राइट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, तो क्या हुआ कि पहले अपने लिखते हैं, चलो सारे लिख लेते हैं फिर आपको बताता हूँ कौन कौन से राइट हैं, आप अगर पॉसिबल है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लिखते अपने कौन कौन से राइट थे अपने पास, सबसे पहले यहाँ तक दिख रहा होगा, यहाँ तक सबसे पहले जो राइट है, जो पहला राइट है वो है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, हमारा पहला राइट है, उसका नाम है राइट ऑफ इक्वालिटी,
राइट ऑफ इक्वालिटी। ओके, अक्षर छोटे हैं, थोड़े बड़े कर देता हूं मैं। दूसरा अपने पास जो राइट है वो है आर्टिकल 19 से 22, ओके ना। इसका नाम है, ये राइट है अपने पास, राइट ऑफ फ्रीडम। इसके आगे बहुत सारे सब क्लॉज भी हैं। अब इक्वालिटी के अंदर क्या क्या इक्वालिटी आपको बताऊंगा, बहुत डिटेल इसके अंदर भी, जितनी संभव है, जितनी पॉसिबल अपने उतनी करेंगे। आगे है आर्टिकल 23 से 24। वैसे तो आपको मैं इसके नोट्स दे दूंगा, लेकिन अगर आप साथ साथ उतार लोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ, आ रहा है ये नहीं आ रहा, आ रहा है, ठीक है आ रहा है। हाँ, तो आर्टिकल 23 से 24 तक क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, ठीक है, आगे अपने देखते हैं, आप इसको साथ साथ उतार सकते हो। थोड़ा सा मैं कैमरे की सेटिंग कर लूं, थोड़ा सा पीछे कर लूं मैं इसको। मेरी सीधा नहीं हो रहा, एक मिनट। राइट है, अगला राइट है रिलीजन वाला, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, नेक्स्ट राइट अपने पास चार हो गए। आर्टिकल कल्चर वाला है 29 to 29-30, ये है अपने पास राइट टू प्रिवेंट, बोलते हैं क्या बोलते हैं देखते हैं अपने आपकी। प्रिवेंट सी द राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन, राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन। और जो लास्ट राइट है अपने पास वो है आर्टिकल 31 में, मैंने आपको कल बताया था कौन सा राइट है वो, राइट ऑफ रेमेडीज ऑफ उतार लीजिए आप। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, आप ही उतार लीजिए सभी आराम से। मैं देख रहा हूँ अब आपके आगे सिलेबस में क्या है, अपने उस हिसाब से इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अरे एक मिनट, एक मिनट, 31 था अपने प्रॉपर्टी वाला, ये 32 है, 31 को ख़त्म कर दिया गया। एक आर्टिकल 31 था इसके अंदर ही है, एक आर्टिकल 31 था राइट ऑफ प्रॉपर्टी, वो अब नहीं है, इसको चेंज कर दिया गया है लीगल राइट में। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, मैं फ्रेम चेक कर लूँ कहाँ तक है।
ठीक है, आज अपने पहला राइट करेंगे, उसके बाद बाकी राइट अपने कल करेंगे। पहला राइट, राइट ऑफ इक्वालिटी, आपने उतार लिया होगा, साफ करता हूँ मैं इसको। क्या है राइट ऑफ इक्वालिटी, क्यों ये जरूरी है, इसके बारे में अपने थोड़ी चर्चा करते हैं आज। राइट ऑफ इक्वालिटी इसका मतलब क्या है? देखिए, राइट ऑफ इक्वालिटी का मतलब है सभी को समान, सभी को इक्वल समझेंगे, ये है राइट ऑफ इक्वालिटी। सरकार की नज़र में सभी बराबर हैं, ठीक है ना, उनमें डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं कर सकते, पहले ऐसा था, ठीक है। तो राइट ऑफ इक्वालिटी में जो पहला है आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है अपने को, आर्टिकल को आपके जो सिलेबस में आर्टिकल वाइज इसको डिफाइन नहीं किया गया, क्लासिफाई नहीं किया गया, सीधा बताया गया है, तो अपने सीधे बात करते हैं। तो सबसे पहले राइट ऑफ इक्वालिटी, अपने पास एक राइट है राइट ऑफ इक्वालिटी, तो राइट ऑफ इक्वालिटी में कहा क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि किसी को कास्ट, रिलीजन, रेस यानी नस्ल के आधार पर, बर्थ प्लेस, जेंडर, इन हिसाब से किसी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। जैसे कास्ट है, कास्ट के हिसाब से अपने नहीं कह सकते कि तू लोअर कास्ट के अपर कास्ट के, इस हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकते। अब क्या भेदभाव आपको बताएंगे, रिलीजन के हिसाब से हिंदू है मुस्लिम है अपने भेदभाव नहीं कर सकते, रेसिज्म के हिसाब से मतलब कि तू अलग नस्ल का है ऐसे अपने भेदभाव नहीं कर सकते, बर्थ प्लेस भी कह दे तू तो बिहार से है तुझे ये सुविधा नहीं मिलेगी, जेंडर के हिसाब से मेल फीमेल में भेदभाव नहीं कर सकते। अभी क्या भेदभाव, सभी के लिए अलग अलग डिफाइन है, देखो कैसे, आपको पता होगा कि पहले के टाइम में ना गांव में कुएं होते थे, कुएं बोल लो या फिर पब्लिक टॉयलेट्स हैं या जो कुछ भी है या पब्लिक बाथ प्लेसेज हैं, सरोवर हैं, होते थे। अब क्या थे, जो गांव के या उस जगह के अपर कास्ट के जो लोग थे वो लोअर कास्ट के लोगों को वहां से ना तो पानी भरने देते थे, ना वहां पर आके नहाने देते थे, ना वहां पर अपने पशुओं को पानी पीने देते, कुछ नहीं करने देते थे। तो जो गांव का है, जो अपने जोड़ होता है, जैसे अपने छप्पड़ है गांव में, ठीक है ना, वहां पर सभी के पशु नहाते हैं, ठीक है ना, या जो गांव का पानी है जैसे लोग पानी भरते हैं वहां पर, आज के टाइम में सभी पानी भर सकते हैं, जो वाटर वर्क्स है वहां पर सभी घर में पानी आता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो अपर कास्ट वाले थे उनको लगता था कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, ये बात थी पहले, ठीक है। तो इस चीज को अबोलिश किया गया इस राइट के अंदर, सभी इक्वल है। अगर ना कोई बड़ी कास्ट का या फिर कोई बंदा कह दे कि तू यहां पर नहीं आएगा तो ये सही नहीं है, उसको जेल हो जाएगी, ठीक है। तो 14 में सबसे पहले एक ये भी चीज़ है, इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, वो आपकी बुक में भी है, कि एक गांव में क्या थी, शादी चल रही थी, तो वहां पर एक छोटी कास्ट का आदमी बड़ी कास्ट के आदमी के पैर धो रहा था। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है, सिर्फ इसीलिए पैर धो रहा है कि वो छोटी कास्ट का आदमी, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी इक्वल है, ठीक है ना। अगर उसका वो काम है, वो सैलून वाला है, ऐसा कुछ कर रहा है तो अलग बात है, नहीं तो नहीं करेगा वो, ठीक है, बिना ऐसे किसी इस चीजों में रोक लगाई हुई है। आगे देखते हैं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट है 16, सभी को एजुकेशन का राइट है, ये नहीं है कि तू तो उस कास्ट से तुझे एजुकेशन नहीं मिलेगी। जैसे पहले थे ना, अभी ब्राह्मण थे, क्षत्रिय है, चार पार्ट्स में बटे हुए थे। देखो आज के टाइम में मैं नहीं कह रहा, आज के टाइम में सभी लोग अच्छे हैं, पहले एक बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि अपने खार खाएं कि वो ब्राह्मण है अपर कास्ट का है उन्होंने हमें तंग किया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में सभी अच्छे हैं, सभी भाईचारे से रह रहे हैं, हमारे पास राइट्स हैं, ओके। जैसे 16 में क्या कहा गया कि एजुकेशन है या फिर जो समाज को सोसाइटी को आगे लाने वाली चीज़ें हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उसमें सभी को बराबर भाग मिलेगा। अगर सरकार ने कोई सरकारी नौकरी का विज्ञापन निकाल लिया है, कोई एडवर्टाइजमेंट निकाल लिया है कि भर्ती है, उसमें सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, सभी लोग अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसी में एक छोटी सी चीज़ है आर्टिकल 16 में। अब आपको पता है कि एक DPSP है अपने, उसमें कहा गया है कि जो समाज के सोसाइटी के छोटे लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको भी आगे लेके आना है, समझिए ना। तो देखो, मान लो अपने लोग हैं, अपने फैमिली एक वेल सेटल्ड फैमिली थी,
तो हमारे हमें पढ़ाने के लिए घरवालों को इतना एफर्ट नहीं करना पड़ा, पैसे थे, हमने बचपन को काम किए नहीं किया, लेकिन सभी इतने फॉर्चुनेट इतने भाग्यशाली नहीं है, कुछ लोगों को बचपन में काम करना पड़ता है। अब छोटे बच्चे आपने देखे होंगे बाजार में, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुल्फियाँ बेच रहे हैं, कुछ पैकेट बेच रहे हैं, तो उनका भी मन करता है अभी पढ़ें या घूमें खेलें, लेकिन जिम्मेदारियाँ हैं, तो इन जिम्मेदारियों के साथ वो पढ़ भी रहे हैं तो सीधी सी बात है काम भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो इतना वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उनके पास टाइम कम बचेगा, समझिए। तो उनको भी आगे लाने के लिए सरकार ने उनको दिया रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्यों दिया था? ताकि वो बंदे आगे बढ़ सकें, उनको नए स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल सके। अब आप आपको कोई कहे कि ये तो इक्वालिटी के राइट का वॉयलेशन हो गया, कोई आपको कहे कि तो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए प्रावधान किया गया आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में। इसमें कहा गया है कि सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एससी एसटी को बैकवर्ड को आगे लेकर आए, तो कोई भी इसके बीच में अड़चन नहीं लगाएगा कि हमारे तो इक्वालिटी के जो राइट है उसका वॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो अपने इसी के साथ आज के टॉपिक को थोड़ा बंद कर रहे हैं, थोड़ा विश्राम दे रहे हैं, आगे की क्लास में अपने और राइट्स हैं अपने उसके बारे में पढ़ेंगे, आप भी इनको डिटेल से पढ़ो। अभी ये जो राइट ऑफ इक्वालिटी है थोड़ा और पढ़ा है, लेकिन लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, बोरिंग हो जाएगा ज़्यादा करेंगे तो, इसलिए आप इसको वापस जरूर देखना और जितना हो सके अपने नोट्स खुद बनाओ और हो सके तो बुक्स में पढ़ो, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।